आदिवासी लड़की से लव मैरिज की सजा, चाचा ने घर से निकाला, पीड़िता दंपत्ति ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। शिवपुरी जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के महल कॉलोनी के निवासी ब्रजेश सोनी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी आदिवासी के साथ गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने चाचा और उनके बच्चों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आवेदन दिया है। ब्रजेश का आरोप है कि उसने आदिवासी महिला से शादी की है, इसलिए उसके चाचा उसके पिता के नाम दर्ज घर में उसे हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बीती दिनों उसकी झूठी रिपोर्ट कर जेल भिजवा दिया। इसके बाद उसकी पत्नी की मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। ब्रजेश सोनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर चाचा और उनके बच्चों के खिलाफ पत्नी की मारपीट के मामले में FIR दर्ज किए जाने की मांग की है। देखिए क्या कहा ब्रजेश और उसकी पत्नी ने। कौन सी कॉलोनी में रहते हो? महल कॉलोनी। क्या मैटर हुआ है? मैटर मेरी पत्नी के साथ मारपीट की और मुझको मतलब जो झूठा मारा पीटा और 151 में बंद करा दिया। इसके बाद मेरी पत्नी के साथ मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। किसने मारपीट की? मेरे चाचा जी हैं, मेरे पिताजी छोटे हैं, शिवशंकर सोनी। क्यों मारपीट करने? भाई वो रखना नहीं चाहते, हमको रखा नहीं उन्होंने, हम नीचे आके रहने लग गए। मैं जयपुर रहता हूँ, काम करते थे हम वहाँ पर, रहते थे दोनों जने, यहाँ आके रहना चाहते हैं। अब हम रहने लग गए तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, मकान में हिस्सा चाहिए हमारे। तो क्यों नहीं रहने दे रहा? वजह क्या है? वजह ये है कि वो मकान में मतलब अपना हिस्सा चाहते हैं वो। अच्छा, तो वो मकान उनके नाम नहीं है। आपने अभी बताया कि वो शादी दूसरी समाज से की। हाँ, ये बात नहीं है भाई, शादी दूसरी समाज से की है तो इसलिए मैं उनको मतलब ऑब्जेक्शन है। अच्छा, आपने शादी किस जगह से की है, कहाँ की रहने वाली हैं आपकी पत्नी? ये रनौत की है। तो आप क्या कह रहे हैं? अब वो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं रखूँगा इनको, और वो ताला लगा के भग गए मुझको। परसों के दिन उन्होंने बंद करा दिया था थाने में 151 में। कल मेरी जमानत हुई है और कल बाहर आया हूँ तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ मारपीट की है और इन्होंने बाहर निकाल दिया जब मैं कंप्लेंट दर्ज कर रहा हूँ। लक्ष्मी कौन सी जगह रहती हो? उधर मेल कॉलोनी। तो क्या मामला हुआ है? हमने लव मैरिज की है, आदिवासी हैं हम, जो वो बोलते हैं तुम आदिवासी हो आपको नहीं अपनाएंगे, मुझसे बोलने लग गए आदिवासी हो आप, निकलो यहाँ से। मारपीट की, बच्चों को भी निकाला, मेरे दो लड़के हैं उनको भी निकाल दिया। आपके पति कौन सी समाज से? वो सोनी समाज है। तो हम कौन बोल रहा है? हम वो हमारे इनके अंकल जी है ना, चाचा, वो निकाल रहे हैं, चाची भी निकाल रही है, उनकी लड़की है, उन्होंने भी मारपीट की, उन्होंने भी निकाला हमको, पीटा, सामान बाहर फेंक दिया। कब शादी की थी? 15 साल होगी। पहले भी करते थे या अभी कर रहे हैं? अभी करने लग गए वो, उन्होंने ताला डाल के हमारा सामान फेंक दिया, मारपीट के बाहर भगा दिया हमको, ताला लगा के भग गए, वो रहने नहीं दे रही है। बच्चे भूखे प्यासे दो दिन रहे, खाना भी नहीं दिया हमको। जो आप क्या चाहते हैं? हम चाहिए, हमारा मकान चाहिए हमको रहने के लिए, मेरे बच्चों को लेके मैं किधर जाऊंगी बताओ? मैं आदिवासी हूँ तो क्या मुझे अपनाएंगे नहीं क्या बताओ? अपनाने पड़ेगा। आपका जो नजदीकी थाना लगता है उसमें आपने कंप्लेंट की थी क्या? की थी। तो क्या बोले थे थाने वाले? कंप्लेंट अब कर रहे हैं। अब कर रहे हैं हम, की नहीं है हमने, अभी की नहीं थी हमारे इन पति को, इनको जेल करवा दी, इनको थाने भेज दिया, एक से इनके आन पे उस पे, और फिर उसके बाद हमको निकाला है इन्होंने, मार पीट के सामान फेंक दिया और फिर और ताला लगा के भग गए। मकान आपका ही था? हमारा है मकान, मकान मेरे ससुर जी के नाम है। क्या बोल रहे थे वो वाले पक्ष? कौन?